नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास आया है जियो का कीपैड फ़ोन और इसमें प्रॉब्लम है, इसके कीपैड काम नहीं कर रहे, कोई सा भी बटन इसमें काम नहीं कर रहा, पावर की भी नहीं कर रहा, पर ये फ़ोन चार्जिंग में लगाने पे चालू हो जा रहा है अपने आप, और ये बटन कोई सा भी कट भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, और ये हैंग नहीं है, ये बंद करके चालू कर रहे हैं तो भी काम नहीं कर रही है बटन। ये इसको बनाने के लिए हम खोलते हैं पहले इसे, फिर इसे देखते हैं कैसे रिपेयर होगा। फ़ोन को ओपन करेंगे दोस्तों, स्क्रू ड्राइवर से खोलेंगे इसे पहले, उसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ है। हम जल्दी जल्दी से नट, सभी नट को खोल लेते हैं। इस फ़ोन में वैसे नट बहुत कम लगे हुए हैं, पूरे फ़ोन में मात्र 2 नट लगे हैं, जबकि इसमें 6 नट की जगह दिया हुआ है। और ये फ़ोन को हम ओपन करेंगे, अगर आपके पास नाखून अच्छा खासा है तो आप उससे खोल सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी ओपनर का मदद ले सकते हैं, ओपनर से भी आप इसे आसानी तरह से खोल सकते हैं। ये फ़ोन देखिए दोस्तों, इसमें पानी गया हुआ है, ऐसा लग रहा है। इसका डिस्प्ले भी उन्होंने शायद चेंज कराया हुआ है, तो उसके चार्जिंग पिन पे भी काम हुआ है। खैर, हमें अभी कीपैड बनाना है तो हम कीपैड के बारे में देखते हैं, बाकी बाद में इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेंगे, इसमें बहुत गंदगी है फ़ोन में, देख सकते हैं। इसको ब्रश की मदद से पॉलकॉन या कोई और क्लीनर जो भी हो आपके पास, पेट्रोल हो पेट्रोल से, किसी भी क्लीनर से इसको थोड़ा साफ़ करें। अगर ये सब भी कुछ नहीं है आपके पास तो एक ब्लेड लें, ब्लेड से आसानी से इसको, इसके सभी सिरे को अंदर बाहर एक बार क्लीन कर लें अच्छे से। इसी प्रकार से जैसे इस बटन को मैं घस रहा हूँ, इसी प्रकार से सभी बटन को एक बार थोड़ा थोड़ा साफ़ कर लें, उसके बाद फिर चेक करें कि बटन काम कर रहा है कि नहीं। अगर इसके बाद भी बटन काम नहीं करेगा तो फिर इसका कनेक्शन चेक करेंगे। कनेक्शन कैसे चेक करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। सभी बटन को आप एक बार घस लें, और हो सके तो ये टिकली के अंदर भी जो बटन लगे रहते हैं इनको भी थोड़ा थोड़ा इस प्रकार से साफ़ कर लें। इससे क्या रहेगा, अगर इसमें थोड़ा सा भी कार्बन होगा तो वो निकल जाएगा, फिर आपका बटन अच्छे से काम करने लगेगा, अगर कनेक्शन का प्रॉब्लम नहीं है तो। देखते हैं, मुझे तो लग रहा है जैसे इसके पावर की में भी पानी दिया हुआ था, इसी की वजह से वो शॉर्ट होगा। तो अब देखते हैं, हमारा साफ बटन साफ हो चुका है लगभग। टिकली को सही से बैठाने के लिए इसमें होल रहता है, ये चारों सिरे पे होल दिया हुआ है, इसमें देख लें कोई भी ये 2 होल आपस में मैच कर जाएं तो बाकी अपने आप मैच कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, नीचे दिया हुआ है इसमें, और ये एक इस साइड है, दोनों होल अगर आपस में आ गए तो सारे बटन ऑटोमेटिक अपने आप बराबर बैठ जाएंगे। अब हम इसको चालू करके एक बार देखते हैं। ये हमारा फ़ोन ऑन हो रहा है, अब इसको पूरा ऑन होने तक वेट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या हमारे सभी बटन काम कर रहे हैं। चालू होते ही हम चेक करें, ये 2 नंबर बटन, 3,
चार, तो दोस्तों लग रहा है हमारे सभी बटन बस ये साफ करने से ठीक हो गए। तो इस फ़ोन में बस इतनी सी प्रॉब्लम थी, बाकी और कोई दिक्कत नहीं था इसमें। जैसा कि हमें मिला था फ़ोन कीपैड का प्रॉब्लम के लिए, हमने देखा इसमें पानी गया था, इसको अच्छे से वॉश किए और ये चालू हो गया और सभी बटन अच्छे से काम कर रहे हैं। तो दोस्तों इसको पैक करेंगे। पैक करने के लिए थोड़ा सा डिस्प्ले को साफ कर लेंगे, खुला होगा तो दाग आ जाता है फिंगर्स के। कोई भी कॉटन या साफ कपड़े से आप इसको पोंछ सकते हैं। देख सकते हैं एकदम सही से वर्क कर रहा है ये फ़ोन। ओके हो गया है। अब हम इसको स्क्रू ड्राइवर से फिर से जो नट हमने खोला था वो हम लगा देंगे और कुछ एक्स्ट्रा नट अपने तरफ से इसमें लगा देंगे, क्योंकि अगर ये लूज़ रहेगा तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकता है और गिरने से जल्दी खुल जाएगा फ़ोन। तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में इसी प्रकार के यूनिक आइडिया के साथ। मोबाइल बनाने का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। थैंक यू।